तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट अपना में। तो आज मैं आपके लिए गर्मियों स्पेशल 3 नींबू शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी ऐसी रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुकुम्बर नींबू शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ककड़ी ली है, तो मैंने आधी ककड़ी लिया है यहाँ पर। इसको कट कर मिक्सर जार के अंदर डाल दिया और अब इसके अंदर डालेंगे एक नींबू का रस। आप इसके अंदर इसका सारा बीज हटा दीजिएगा। तो अब एक नींबू का रस पूरा डाल दीजिए। आप इसको ज़्यादा स्क्वीज मत कीजिए, जिससे नींबू का कड़वापन आ जाता है। तो अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। आप चीनी कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। साथ में 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी डाल दूंगी। इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंडर मिक्सर जार के अंदर डाल दिया। अब 1 कप चिल्ड पानी डालेंगे ठंडा ठंडा। इसको फिर से चलाने के बाद अब मैं इसको छान लेते हैं। तो आप इसे छानिएगा ज़रूर, इससे बड़े छिलके इसके अलग हो जाएंगे। तो ये साथ मैंने सारा इसका छान लिया। तो ये हमारा जूस बनकर तैयार हो चुका है, कुकुम्बर नींबू पानी। आप इसे सर्व कीजिए ठंडा ठंडा और इन्जॉय कीजिए। तो मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देती हूँ पुदीना से। तो देखिए दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो दूसरा नींबू शरबत सब्जा नींबू शरबत बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच सब्जा ले लिए हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और साथ में 4 चम्मच पानी में हम इसको भिगो देते हैं। सब्जा हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है गर्मियों में। तो इसको 10 मिनट भिगोने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है बाउल के अंदर, और ये ठंडा चिल्ड पानी है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने सारे यहाँ पर नींबू के 2 कट कर लिए हैं और ये इसके सारे बीज हटा दिए। तो आप इसको सारा रस इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और 3 चम्मच मैं चीनी डाल दूंगी। तो आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीनी मैंने डाल दी। अब इसके अंदर डाल देते हैं, हमने 10 मिनट के लिए सब्जा भिगोया था वो। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये सब्जा डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी और भी केक की मिठाइयों की या फिर और रेसिपी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने इसके सारी अच्छे से चीनी को घोल लिया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में और पीने में कितनी बढ़िया है। तो ठंडा ठंडा सब्जा नींबू पानी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं। तो तीसरा हम यहाँ पर बनाते हैं पुदीना नींबू पानी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप पुदीना ले लिया है और इसको ग्राइंडर मिक्सर जार के अंदर अच्छे से धोकर डाल दिया। और अब मैं यहाँ पर लेती हूँ 1 नींबू। तो नींबू को हम यहाँ पर काट लेते हैं और इसका 1 नींबू का रस हम इसके सारे अंदर डाल देंगे। और साथ में हम इसके सारे बीज को अलग कर लेते हैं। तो ये सारे बीज आप अलग कर दीजिए और इसके सारे रस को इसके अंदर डाल दीजिए। नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। आप काला नमक डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और 2 चम्मच पानी डालकर इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर 1 कप चिल्ड पानी डाल देती हूँ। इसको फिर से पीस लेंगे। तो ये हमारा पुदीना नींबू पानी बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसको छान लेते हैं। तो आप इसे छान लीजिएगा ज़रूर, जिसके सारे बड़े बड़े टुकड़े पुदीने के वो अलग हो जाए। और इसको चम्मच से अच्छे से यहाँ पर सारा रस निकाल दीजिए। तो हमारा पुदीना नींबू पानी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।